आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जो है वैक्सीन आया और उसके बाद से जो सरकार है वो टीकाकरण अभियान को लेकर काफ़ी जोर देते हुए नजर आ रही। सरकार जो है अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जितने से जितने ज़्यादा लोग हैं उनको टीका लगाया जा सके। ऐसे में इस वक्त एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को वैक्सीन लगाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है, तो ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो पर नज़र डालने की ज़रूरत है ताकि आप पूरे मामले को समझ सके। तो आइए नज़र डालते हैं इस वायरल हो रहे वीडियो पर। वार्ड कमिश्नर कहाँ है भाई, वार्ड कमिश्नर को बुलाओ। अरे बैठो बैठो, हाँ एखे बस एखे बस। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एक 50 वर्षीय महिला वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए गई है, उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद है और उसके बाद जो है डॉक्टर उनको वैक्सीन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी वक्त वो महिला बच्चे की तरह रोने और चिल्लाने लगती है। जिसके बाद उनके जो परिजन हैं उनको शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। महिला जो है बार बार रोती है, कभी हाथ पटकती है, कभी कुछ कहते हुए नज़र आती है। जिसके बाद उनके परिजन जो उनके साथ आए थे उसमें से एक लेडी उनका फेस पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेती है और उसके बाद डॉक्टर उनको वैक्सीन लगा देती है, लेकिन वैक्सीन लगाने के वक्त तक वो चिल्लाती हुई, पांव पटकती हुई, हाथ पटकती हुई नज़र आती है। इसी के साथ जब वैक्सीन लग जाती है उसके बाद भी जो है वो उरी बाबा करके चिल्लाते हुए नज़र आती है। तो उनकी भाषा से ये समझ में आ रहा है कि ये जो है बंगाली है, बंगाली फैमिली है, लेकिन ये वीडियो कहाँ का है एग्जैक्ट इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है क्योंकि इस महिला जो है ये 50 वर्षीय महिला एक बच्चे की तरह वैक्सीन लेते हुए जो है रोते भी लगते नज़र आ रही है इसी वजह से। इसी के साथ इसी तरीके के और ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए और देश और दुनिया की खबर के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।